हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट होगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था मुझे पता है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी। देखिए, अब इसके अंदर आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक प्रिज्म में से लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, और उसके बाद हम रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के सेशन का एजेंडा है। तो सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अगर आप एक कंपस या फिर एक प्लास्टिक का जो स्केल होता है वो उसको आपके आंखों के सामने रखेंगे, सॉरी कंपस नहीं, प्लास्टिक का स्केल आपके आंखों के सामने रखेंगे, या फिर प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते हैं एक लाइट की जगह पे, और उसको ऐसे टर्न करेंगे धीरे धीरे, तो आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर से जो लाइट रेज है वो अलग अलग कलर्स में आते दिखेंगे आपको, जैसे आपको रेनबो में दिखता है वैसे। और ये जो कलर्स है किस ऑर्डर में दिखेंगे आपको, तो वो दिखेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस ऑर्डर में आपको दिखने वाले हैं। और इसी ऑर्डर को याद करना है आपको, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद करने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। देखिए, वॉयलेट, विब, इंडिगो और ब्लू, फिर ग्योर मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सिंपल है। चलिए अब देखिए क्या है, पहले आपको समझना है कि विबग्योर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये लाइट एक ऐसी वेव है जिसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इज इट क्लियर। और लाइट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है विजिबल लाइट, आपको पता है 400 टू 700 नैनोमीटर्स, कई जगहों पे 800 तक भी दिया रहता है। तो 400 टू 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाले रेडिएशन होते हैं वो हमें दिखते हैं। अब आप पूछोगे कि यार ये क्या है, ये वेवलेंथ क्या है, तो देखिए ये जो लाइट वेव्स होती है ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन दिखाती है, ठीक है, ऑसिलेशन, जैसा कि आपको पता है। अब इस ऑसिलेशन के अंदर एक जो ऊपर वाला एक्सट्रीम होता है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला एक्सट्रीम होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ या फिर ट्रॉफ, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रॉफ, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इनके बीच में का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच में की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ, इज इट क्लियर, बहुत आसान है, वेव लेंथ। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बस इसका अपोजिट होता है। मतलब अगर आप वेवलेंथ देखें, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। और आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऑसिलेशंस कम होंगे, है कि नहीं, जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना धीरे धीरे ऑसिलेशन होंगे, क्योंकि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ज्यादा, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितने ज्यादा ये हो रहे हैं ऑसिलेशंस, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो पाएगी, उतनी कम ऑसिलेशंस हो पाएंगी। और अगर आप वेवलेंथ को कम कर दें, मतलब उसके लिए ईजी हो जाएगा ना, फास्ट हो जाएगा, और वो फास्ट होने की वजह से ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ऐसा हम कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसा कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, अपोजिट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स अपीयर्स टू हैव डिफरेंट कलर्स मेंशनड अबव। तो देखिए, अलग अलग कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि अगर आप रेड कलर को देख लो, तो रेड कलर की जो लाइट होती है उसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है क्लोज टू 700 नैनोमीटर। कितनी होती है बोलो, 700 नैनोमीटर। और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है कि नहीं, अलग अलग कलर्स की। और वॉयलेट की जो लाइट होती है, वॉयलेट कलर की लाइट, उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, विच इज 400 नैनोमीटर। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं, ठीक है, कम वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम है वॉयलेट की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम विबग्योर वाला सीक्वेंस लेते हैं, विबग्योर ये सीक्वेंस लेते हैं,
तब वेवलेंथ बढ़ती जाती है वी से आर की तरफ, वॉयलेट से रेड की तरफ, और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है वी से आर की तरफ। तो विबग्योर ये शब्द में जब हम वी से आर की तरफ जाते हैं तब वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और 1 नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर, इसका मतलब बहुत बहुत छोटा होता है, जो हमें आपकी अपनी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई ये जो वेवलेंथ होती है, ये जो जो इसका ऑसिलेशन होता है, ये सब देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है टू आर नेकेड आइज। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द सेम। वैक्यूम में सारी की सारी लाइट रेज की वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन लेकिन हमारा एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में कुछ गैसेस है, और हर एक गैस के डेंसिटी पर बेस्ड वो जो लाइट रेज है उसकी वेलोसिटी बदलती है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दस डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो है लाइट है वो किसी एक मीडियम के थ्रू जा रही है, जैसे एयर के थ्रू जा रही है, एयर इज अ मीडियम, तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी डिपेंड ऑन ईच अदर, और इसीलिए अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि अलग अलग कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इज इट क्लियर? देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स के लिए भी जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज होती है। इज इट क्लियर? चलिए। दस इवन व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ सिंगल मीडियम लाइक ग्लास द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक व्हाइट लाइट आई, उस व्हाइट लाइट ने ग्लास मीडियम के अंदर एंटर किया। अब देखिए ग्लास इज अ मीडियम, और मीडियम में एंटर करते समय फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, या फिर इंडाइसिस कह सकते हैं प्लूरल, और इसीलिए उनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करेंगे और अलग अलग हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो व्हेन द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू एयर एंटर्स एनी रिफ्रैक्टिव मीडियम इट इमर्जेस एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप ऑफ कलर्स। तो क्या होगा, अगर आपने एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम के अंदर व्हाइट लाइट को गुजारा तो क्या होगा, सारी की सारी जो 7 कलर्स है वो अलग 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 स्प्लिट होकर बाहर आएंगे। सो यहाँ पे से आपको डेफिनेशन मिलती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जब एक लाइट के जो कंपोनेंट कलर्स है वो सेपरेट होते हैं, जब उस लाइट को एक मीडियम के थ्रू गुजारा जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। कितना सिंपल है बताओ, है कि नहीं, कितनी सिंपल साइंस है। अब देखिए सबसे पहले ये होता तो बहुत सालों से आ रहा है, मतलब हमेशा से ही होता आ रहा है, लेकिन इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ सन स्पेक्ट्रम। तो सन लाइट जो होती है उसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए, उसके कलर्स को सेपरेट करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने ग्लास के प्रिज्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ग्लास प्रिज्म इज लाइक अ पिरामिड, पिरामिड की शेप। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। अब जब व्हाइट लाइट उसके अंदर डाली जाती है, प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट, तो अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स पे बेंड होते हैं। Among the 7 colors, red bends the least while violet bends the most. तो सबसे कम bending अगर किसी में होती है तो वो है red, और सबसे ज्यादा bend जो होता है वो होता है violet. Thus as shown in figure 6.8, the 7 colors emerge along different paths and get separated and we get a spectrum of 7 colors. तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे sunlight आई इस तरीके से, red जो है वो सबसे कम ये हुआ, क्या कहते हैं, bend हुआ, और violet सबसे ज्यादा bend हो गया। Is it clear? इसी तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की गई है। ओके अब रेनबो प्रोडक्शन, सभी ने रेनबो तो देखा ही होगा, और रेनबो जो है कहीं भी हो सकता है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से होता है रेनबो प्रोडक्शन एनिमेशन के जरिए, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेनन, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। ये रेनबो प्रोडक्शन में एक प्रोसेस नहीं तो अनेक प्रोसेसेस का काम होता है। कैसे होता है हम देखेंगे अभी।
इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर अ रेनफॉल। तो दरअसल होता यह है कि पहले इसके अंदर डिस्पर्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर रिफ्रैक्शन भी होता है। तो इस तरीके से तीन तीन प्रोसेसेस का एक कंबाइंड इफेक्ट है और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इट इज मेनली सीन आफ्टर अ रेनफॉल, ये आपको पता है रेनफॉल के बाद ज्यादातर दिखता है। वैसा क्यों है? आपको अगर रेनफॉल नहीं है, आपने अगर रेनबो नहीं देखा है, तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक वाटर का पंप है तो उससे भी आप ऐसा रेनबो टाइप बना सकते हैं। देखिए अभी देखिएगा, जब आप सनलाइट के सामने लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे एक रेनबो जैसा फॉर्म हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और उसके अंदर अगर आप एक चीज गौर करेंगे, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कि आपको ऊपर दिख रही है रेड लाइट और नीचे दिख रही है वायलेट लाइट, है कि नहीं? ऊपर रेड है और नीचे वायलेट है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसकी साइंस समझते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर क्या है, ओ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे कि हाँ। तो देखिए, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म्स, जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है? क्योंकि रेन हो रही है, पानी आ रहा है, तो पानी के कुछ कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, वो प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है कि जब लाइट रे एंटर करती है इसके अंदर, लाइट रे जब एंटर करती है सनलाइट, तब क्या होती है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड, उसका डिस्पर्शन हो जाएगा, वो अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाएगी अलग अलग इसके अंदर। देन देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ, यू कैन से क्रिटिकल एंगल, राइट? इसीलिए यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वैसे सीबीएसई के टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे तो वहां पे दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक मुझे लगता है इस मामले में बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये बोलना शायद गलत है, जो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जानबूझ के टर्म इस्तेमाल किया गया है, ये क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो एंड आफ्टर दैट वंस अगेन द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड वेल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो क्या होगा, पहले लाइट रे आएगी, इसका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों होगा, क्योंकि डिस्पर्स होगी ये प्रिज्म के अंदर जाते हुए, साथ ही साथ थोड़ा रिफ्रैक्शन भी होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, उसके बाद एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, और जब इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो लाइट है ये प्रिज्म के बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते समय यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, वापस एक बार रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि आसान सी बात है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन तो हो गई ऑब्वियसली, एंड ऑल दीज प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो। अब यहाँ पे आप डायग्राम में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे आपको वॉयलेट सबसे ऊपर दिख रहा है और रेड सबसे नीचे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। लेकिन हमने अभी अभी एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमें देखा था कि रेड सबसे ऊपर था और वॉयलेट सबसे नीचे था। अब भाई ये क्या है, ये ऐसे कैसे हो गया, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रू एन एनिमेशन। तो देखते हैं एक एनिमेटिव वीडियो, तो अब ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। We usually see rainbows when it rains with the sun behind us. Sunlight contains seven different colors. When sunlight hits a raindrop, each color bends differently, bounces off the inner surface, and exits the drop at a different angle. Observe that here, violet is at the top with red at the bottom. तो आपने देखा यहाँ पे कैसे हुआ, ये जो व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट आके यहाँ पे डिस्पर्स हो गई, और ये डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पे इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर यहाँ से वापस इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होके ये बाहर निकली, लेकिन वॉयलेट लाइट ऊपर और रेड लाइट नीचे इमर्ज हुई। अब इससे हमें वैसा रेनबो कैसे देखने को मिलता है वो आपको भी देखेगा। But in a rainbow, the order is reversed, right? This happens because each color exits the droplet at a different angle. High up in the sky, every color except red exits at an angle above our line of sight. दरअसल होता ये है कि जब रेनबो होता है,
तब क्या होता है, तब ज्यादातर कलर्स जो है वो दिखने में तो छोटे छोटे एंगल पे रिफ्रैक्ट हुए, लेकिन जब हम उससे बहुत दूर जाते हैं तब ये एंगल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि बाकी के जो लाइट के कलर्स है वो लाइट के कलर्स तो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए हमारी आंखों में यहाँ से एक ड्रॉपलेट में से रेड कलर आता है, फिर उसके बाद दूसरी ड्रॉपलेट में से ऑरेंज आता है, और whereas a few degrees below, every color except violet exits at an angle below our line of sight. Hence, only violet reaches our eyes. Similarly, colors in between red and violet exit in such a way that below red, we see orange, then yellow, green, etc. और बाकी के कलर्स क्या हो जाएंगे, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेंगे, दूसरे एंगल्स पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। सो इज इट क्लियर ये किस तरीके से होता है? तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा, एंड बहुत ही आसान सा एक टॉपिक था। और एक चीज मुझे बतानी, तो अभी आपको एक लास्ट चीज बतानी है। अगर आपको फिजिक्स सच में अच्छी लगती है तो प्रोफेसर एचसी वर्मा, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा ड्रॉपलेट के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है ये उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है अपने एक वीडियो में। तो मैं नीचे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, हमारी जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे आप जा सकते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। वहां मैं प्रोफेसर एचसी वर्मा के वो वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको अच्छे से एक्चुअल में समझ में आएगा बहुत सारी चीजें उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो उसके लिए हमारी वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम की लिंक है, और हमारा दूसरा चैनल है वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे वीडियोज है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऊपर ईमेल आईडी है, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, और लाइक कर देना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।